हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैकेनिकल गुरुकुल में। आज हम स्टडी करेंगे, अगर किसी प्रॉपर्टी को वीसी साइकिल की किसी प्रॉपर्टी को अगर वैरी करते हैं तो वीसी साइकिल की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला केस है, अगर इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं हम तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखो, ये हमने साइकिल बना लिया है पीएच डायग्राम पे, 1 2 3 4 आपका ओरिजिनल साइकिल है, ये 1 2 3 4 साइकिल बना लिया है। ठीक है, इस टाइम पे इवेपोरेटर जो प्रोसेस हो रही है वो 4 to 1 में हो रही है। इवेपोरेटर में प्रोसेस कौन सी हो रही है, 4 to 1, और इवेपोरेटर प्रेशर जो है फिलहाल ये है, ये इनिशियल प्रेशर है P1, इसको P1 लिख सकते हैं हम। इसको डिक्रीज करना है तो चलो इसको डिक्रीज करते हैं। इसको डिक्रीज करेंगे, सपोज करो ये डिक्रीज कर दिया हमने, ये पॉइंट आएगा 4', ये पॉइंट आएगा 1', और ये पॉइंट आ जाएगा 2'। ठीक है, तो इसका क्या क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले देखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। हमें पता है कि RE जो होता है वो क्या होता है, H1 - H4। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो होता है आपके पास H1 - H4। तो ये pH डायग्राम है, ये H ही है, H1 - H4 का मतलब यही वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये है आपके पास RE। और उस जब इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो उसके बाद जो RE आ रहा है ये वाली वैल्यू, ये आ रही है आपके पास RE-। तो साफ दिख रहा है कि RE की वैल्यू ज्यादा है और RE- की वैल्यू कम है। तो RE की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। पहले RE की वैल्यू ज्यादा थी, अगर हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया, इवेपोरेटर का प्रेशर पहले P1 था और बाद में हमने कर दिया इसको P1-। ठीक है, अगर इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो RE की वैल्यू सिंपली डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहला इफेक्ट साफ दिख रहा है, RE की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि पहले RE ये था, pH डायग्राम ये H ही है डायरेक्टली, ये वाली वैल्यू क्या होगी H1 - H4, और यहां पर क्या हो जाएगी H1- H4-। तो H4- की वैल्यू जो है ये H4- की वैल्यू कम होगी। तो इसलिए RE की जैसे जैसे ये प्रेशर नीचे जाता जाएगा RE की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब सेकंड इफेक्ट किस पर देखेंगे, देखो वर्क इनपुट, जो कंप्रेसर में वर्क इनपुट है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास H2 - H1। H2 - H1 का मतलब ये वाला, यहां से लेके यहां तक ये वाला हुआ वर्क इनपुट। लेकिन ये वाला इंक्रीज करने के बाद यहां से लेके यहां तक आपका वर्क इनपुट डैश आया, वर्क इन डैश लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो साफ दिख रहा है पहले वर्क इनपुट कम था और बाद में वर्क इनपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वर्क इनपुट साफ दिख रहा है, वर्क इनपुट की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। H2 - H1 था, तो अब जो बाद में जो आएगा वो H2- H1- आएगा। तो हम सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि वर्क इनपुट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हुआ, दूसरा इफेक्ट वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इंक्रीज हुआ, थर्ड इफेक्ट देखते हैं सीओपी। सीओपी क्या होता है, RE बाय वर्क इनपुट। अब हमें पता है RE की वैल्यू डिक्रीज हुई है और वर्क इनपुट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, सीओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RE के, अगर RE डिक्रीज होगी तो सीओपी भी डिक्रीज होगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास आया, सीओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RE के, अगर RE डिक्रीज होगा तो सीओपी भी डिक्रीज होगी, और सीओपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क इनपुट के, अगर वर्क इनपुट इंक्रीज होगा तो सीओपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दोनों ही केसेस में, चाहे RE डिक्रीज हो या वर्क इनपुट इंक्रीज हो, तो सीओपी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में सीओपी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सारे का सारा इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट है परफॉर्मेंस पे। देखो, RE डिक्रीज हुआ, हमें RE ज्यादा चाहिए, वर्क इनपुट इंक्रीज हो गया, हम तो वर्क इनपुट कम देना चाह रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो, ताकि इसी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगी तो हमारा कॉस्ट कम आएगी, तो कॉस्ट कम हो, लेकिन रनिंग कॉस्ट यहां पर ज्यादा आ रही है क्योंकि वर्क इनपुट
इंक्रीज हो गया है और सीओपी डिक्रीज हो गई है, सीओपी भी हमें ज्यादा चाहिए थी। फोर्थ इसमें देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है, कंप्रेसर की हमने लिखा था फॉर्मूला 1+C - C (P2)/P1^1/N या 1/γ कह सकते हो इसको। ये वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है कंप्रेसर की। अब देखो प्रेशर जो P2 में कोई चेंज नहीं हुआ, P2 आपका कांस्टेंट है। हमें दिख रहा है कि P2 पहले P2 था, P2' और P2 सेम है, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो प्रेशर होगा यहां पर P2 = P2'(2') सेम, P2 एंड P2' सेम है, तो P2 में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन P1 पहले ये था, अब P1' डिक्रीज हुआ है। P1 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर P1 की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में कोई वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू डिक्रीज हुई है। नेटा वॉल्यूमेट्रिक क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव में, नेगेटिव में इंक्रीमेंट का मतलब माइनस में इंक्रीज होने का मतलब क्या है, डिक्रीज हुई है। क्योंकि सपोज करो ये 10 है और ये 5 है, अगर ये 5 में से 6 हो जाता तो टोटल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। क्योंकि 10 - 5 पहले 5 आ रहा था, 10 - 6 करोगे तो 4 आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव में ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट होंगे इसके ऊपर, इनको एक बार फटाफट हम लिख लेते हैं, फिर से बता देता हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज इन RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में डिक्रीज। सेकंड, इंक्रीज इन वर्क इनपुट टू कंप्रेसर, कंप्रेसर में जो वर्क इनपुट था वो इंक्रीज हुआ। थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन सीओपी, सीओपी में डिक्रीमेंट हुआ। एंड फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में भी डिक्रीमेंट हुआ। तो ये सब हुआ है, ये चारों पॉइंट, ये चारों नेगेटिव इफेक्ट आए, ये नहीं आने चाहिए थे। इसीलिए जो प्रेशर है उसको ज्यादा हम नीचे नहीं लेके जाते, ज्यादा कम नहीं करते, इसको मॉडरेट प्रेशर रखते हैं। ठीक है, तो ये वो हमारा इवेपोरेटर प्रेशर को अगर डिक्रीज कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, अगर अगर हम कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दें, केस टू देखते हैं, इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर, अगर कंडेंसर के प्रेशर को इंक्रीज कर दें और इवेपोरेटर के प्रेशर को उतना ही रहने दें तो क्या इफेक्ट होगा। तो देखो फिर से वही बनाते हैं हम, पीएच डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। ये ओरिजिनल साइकिल 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये ओरिजिनल साइकिल बना लिया हमने 1, 2, 3, 4। अब कंडेंसर में जो प्रोसेस हो रही है वो कहां से कहां तक हो रही है, वो हो रही है 2 to 3, 2 to 3 जो प्रोसेस हो रही है वो कंडेंसर में हो रही है 2 to 3। तो इसको इंक्रीज करना है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कैसे आएगा, ये आएगा, ये 2 पॉइंट यहां पर चला जाएगा, ये 2' हो जाएगा, ये पॉइंट 3' और ये पॉइंट 4'। अब देखो साफ दिख रहा है आपको, ये पहले RE थी, ये इनिशियल में RE थी, ठीक है, 4' सॉरी, और ये जो वैल्यू यहां से लेके यहां तक आएगी ये क्या आएगी, RE'। तो RE ज्यादा है या RE' है, साफ दिख रहा है RE ज्यादा है, तो RE' क्या है, कम है, तो यानी कि पहला इफेक्ट क्या आएगा, RE डिक्रीज हो जाएगी, सिंपल RE डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर वर्क के लिए देखें तो यहां से यहां तक पहले था वर्क इनपुट, ठीक है, और यहां से यहां तक ये बाद में हुआ वर्क इन डैश,
तो W in ज्यादा है, W in dash ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, तो work input क्या होगा, बढ़ गया है, बाद में green cycle आने से ये क्या होगा, बढ़ गया है, तो दूसरा effect work input increase होगा, तो same effect आ गए दोनों पहले जो आए थे. Third ऐसे ही COP क्या हो जाएगी, RE by work input है, ये decrease हो रहा है, ये increase, यानी कि COP decrease हो जाएगी. और same फोर्थ इफेक्ट नीटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1+C - C × P2/P1^(1/N). अब देखो P1 तो सेम है, P1 तो वही है, ये प्रेशर जो होगा P1 होगा, ये पहले P2 था और ये वाला इसको लिख लेते हैं P2 डैश, तो P2 इंक्रीज हो गया, P2 क्या हो गया, P2 डैश हो गया, P2 की जगह क्या हो गया, P2 डैश होगा, P2 इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, यानी कि ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, नेगेटिव में इंक्रीज हुई है, तो यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये वैल्यू नेगेटिव में है, इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ये इंक्रीज हुई है, माइनस में कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि सेम इफेक्ट आएगा, जो इफेक्ट पहले आया था वही इफेक्ट इस पे आएगा, सेम इफेक्ट होगा. ठीक है, तो इसको बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट आगे, थर्ड केस देखते हैं. केस 3, सुपर हीटिंग इन इवेपोरेटर. अगर इवेपोरेटर में सुपर हीटिंग कर दें तो क्या होगा, इसमें दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे हमें, तो दोनों बना लेते हैं. ये पीएच डायग्राम, वन टू थ्री फोर, ये हमारा ओरिजिनल साइकिल था. ठीक है, इसमें सुपर हीटिंग अगर करते हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे ये होगा, ये 1 डैश, ये 2 डैश. अब इसमें टीएस डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टीएस डायग्राम भी कहां पे पड़ेगी, यहां पे बना लेते हैं थोड़ा सा. यही होता है टीएस डायग्राम इसका. ठीक है, ये 1, 2, 3, 4. अगर टीएस डायग्राम ये है, अगर सुपर हीटिंग करते हैं तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये 1 डैश, ये 2 डैश, सुपर हीटिंग रीजन में चला गया, यानी कि हमने इसके सुपर हीट कर दिया, सुपर हीटिंग रीजन में चला गया ये. ठीक है, तो अब देखते हैं अब क्या होगा. देखो, सबसे पहला इफेक्ट RE की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, पहले ये थी ब्लू वाली थी, अब साथ में ग्रीन वाली भी जुड़ गई है. तो पीएच डायग्राम में हमें पता चलता है डायरेक्टली RE की वैल्यू यहां से यहां तक थी, अब यहां हो गई है, तो सबसे पहला इफेक्ट जो आया वो RE इंक्रीज हो गया. चलो, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि सुपर हीटिंग की वजह से RE इंक्रीज हुआ. अब देखते हैं कि वर्क इनपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखो, वर्क इनपुट पे यहां से हमें पता नहीं चल रहा. देखो, 1 to 2 यहां तक था और 1 to 2 ये है. ठीक है, देखो मैं यहां पे बना लेते हैं, ये 1 से ये 0.2 ये था पहले वर्क इनपुट, और जो बाद में आया वो आया यहां से लेके और यहां तक. तो वैल्यू हमें यहां से ग्राफ से नहीं पता चल रही कि ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा, कोई सा भी ज्यादा हो सकता है. ठीक है, दैट डिपेंड्स, ये एक्चुअली इसीलिए हो सकता है ऐसा. चलो देखते हैं, जो ओपन सिस्टम का वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है γ/γ-1 × P1V1 − P2V2. ये होता है ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम का वर्क डन ये होता है. ठीक है, तो ये एक्चुअली कंप्रेसर जो है ओपन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो ओपन सिस्टम का वर्क डन ये होता है. इसको हम γ/γ-1 PV को क्या लिख सकते हैं, MRT, यानी कि एम आर
T1 माइनस MR T2। कंप्रेसर के लिए देख रहे हैं तो W कंप्रेसर जो होगा गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 MR T1 को कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस T2 by T1। अच्छा ये हमने क्या किया MR T1 को कॉमन ले लिया। सबसे पहले P1 ये ओपन सिस्टम का वर्क डन होता है, ये याद रखना है फॉर्मूला। ओपन सिस्टम के वर्क डन में इसमें क्या कर दिया हमने MR P1 V1 की जगह MR T1 MR T2 लिख दिया। फिर MR T1 को कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस T2 बाय T1 आ जाएगा, ये बाकी कॉमन आ जाएगा। तो W कंप्रेसर को हम लिख सकते हैं गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1 ये वाली वैल्यू इंटू MR T1 इंटू 1 माइनस। देखो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कंप्रेसर में हो रही है। क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी कह सकते हैं इसको। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है एक ही बात है। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो एडियाबेटिक के लिए क्या आएगा देखो T2 बाय T1 को क्या लिख सकते हैं हम P2 बाय P1 की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा ये लिख सकते हैं। ठीक है T2 बाय T1 को क्या लिख सकते हैं P2 बाय P1 की P2 बाय P1 की रेस टू पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें अभी पता चल जाएगा। देखो यहां पर देखो इस डायग्राम में देखो यहां पर P1 और P1 डैश एक ही प्रेशर है। यहां पर देखो P2 एंड P2 डैश P2 इक्वल टू P2 डैश तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है यानी कि P1 भी कांस्टेंट है और P2 भी कांस्टेंट है। तो ये वाली टर्म क्या होगी कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट है ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा ये भी कांस्टेंट है। यहां से W ऑफ कंप्रेसर सिर्फ T1 का फंक्शन लग रहा है। W कंप्रेसर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T1। W ऑफ कंप्रेसर क्या लग रहा है फंक्शन ऑफ T1 सिर्फ टेम्परेचर T1 का ही फंक्शन है। देखो बाकी सब कांस्टेंट है। हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया T1 T2 की फॉर्म में आ रहा था T1 T2 को या हमने यहां पर ये T2 by T1 को P2 by P1 करके लिख लिया यानी कि T2 by T1 की वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि ये किसके इक्वल है P2 by P1 की पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। तो ये कांस्टेंट होगा सिर्फ T1 ही वेरिएबल बचा है। तो कंप्रेसर का वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा यहां पर T1 टेम्परेचर का। अब देखो यहां से पता चल रहा है हमें TS डायग्राम तो ये वाला है ना ये डायग्राम है TS डायग्राम। अब TS डायग्राम से देखते हैं हम ये वाला टेम्परेचर ये T1 है यहां 1 पॉइंट लिए वो ये T1 टेम्परेचर है और ये वाला टेम्परेचर जो होगा यहां पर ये है T1 डैश। अब T1 ज्यादा है T1 डैश डेफिनेटली T1 डैश ज्यादा है और T1 डैश अगर ज्यादा है तो T1 डैश जो ज्यादा टेम्परेचर है T1 डैश ज्यादा है ना बाद में टेम्परेचर क्या हुआ इंक्रीज हुआ है तो इसकी वजह से वर्क इनपुट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कंप्रेसर सिर्फ T1 का फंक्शन है W सिर्फ T1 का। अगर T1 इंक्रीज हो रहा है तो W भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं As W is a function of T1 and T1 increases, this implies W of compressor increases. तो यानी कि दूसरा इफेक्ट क्या आएगा W compressor या W input क्या हो रहा है increase हो रहा है RE increase W increase। थर्ड इफेक्ट किस पे देखते थे हम COP क्या आता है RE by W input ये भी increase। अब देखो RE अगर इंक्रीज होगा तो COP इंक्रीज होगी और W इनपुट अगर इंक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये अगर ये इंक्रीज होगा तो COP डिक्रीज होनी चाहिए। तो अगर ये ज्यादा इंक्रीज होगा तो COP इंक्रीज हो जाएगी अगर ये ज्यादा इंक्रीज होगा तो COP डिक्रीज हो जाएगी यानी दोनों में कंपटीशन होगा। अब जिसमें ज्यादा चेंज होगा उसी का इफेक्ट पड़ेगा COP पे दोनों का कंपैरिजन में क्योंकि इसकी वजह से इंक्रीज हो रही है और इसकी वजह से डिक्रीज हो रही है। अगर ये ज्यादा इंक्रीज हो गया तो सीओपी इंक्रीज हो जाए और ये ज्यादा इंक्रीज हो गया तो सीओपी डिक्रीज हो जाएगी। तो सीओपी में इंक्रीज और डिक्रीज सीओपी इंक्रीज भी हो सकती है और
डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जैसे आर इन आर 12 के केस में सीओपी की वैल्यू, सॉरी इंक्रीज होती है, और एनएस 3 के लिए सीओपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यानी कि यही साइकिल है, यही कंडीशन है। अगर आर 12 यूज कर रहे हो तो सीओपी इंक्रीज हो जाएगी, एनएस 3 यूज कर रहे हो तो सीओपी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करेगी ये सीओपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में P2 और P1 है, P2 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, P1 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब नीटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या थी, 1+C - C × P2/P1^1, ये दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए ये भी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट होंगे, इसके लिए आरई इंक्रीज, वर्क इंक्रीज और सीओपी में इंक्रीज और में डिक्रीज। जैसे आर 12 के केस में इंक्रीज हो रही है, एनएस 3 के केस में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और बाकी जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आरएसी को जल्दी से खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हो, एंड आपको ठीक है, बाकी सब चलता रहेगा, वीडियो आते रहेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।